बम बम बोले जरूर लिखिएगा। अमरनाथ यात्रा में आए लोगों में उत्साह दुगना, और वहीं आज आपको इस समय सरस्वती धाम से सीधी तस्वीरें जो हैं वो जेके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जहां जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में 5 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जी, जिनमें ये तत्काल टोकन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से और टोकन कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट रहेंगे। आपसे एक बार दोबारा से हाथ जोड़ के विनती की जाती है, कृपया करके पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, उनके साथ बहसबाजी ना करें। तो देख सकते हैं आज के टोकन जो हैं वो लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं, और अब टोकन जो हैं वो कल सुबह 6 बजे से फिर शुरू हो गए। और यात्रियों से अपील की गई है जहां जहां उन्होंने रहने के लिए जगह अपनी रखी है वो वहां चले जाएं और सुबह फिर यहां पहुंच जाएं। और यहां डॉक्टर विनोद जी से भी आपकी बात करवाएंगे कि यहां सैनिटेशन को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। सर पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है, क्या कुछ प्रयास जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा भी किए जा रहे हैं? जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरफ सर सैनिटेशन तो हमारा मेन इशू होता है, जितने भी हमारे जहाँ लॉजमेंट सेंटर्स हैं जहाँ हमने यात्री ठहरे हुए हैं, और आपने देखा होगा वैष्णो देवी धाम, कालिका धाम, रेलवे स्टेशन भी, पंचायत भवन वगैरह में सारा सैनिटेशन का इंतजाम किया गया है। साथ में पानी की टैंकी बाहर भी लगाई जाती है, लेकिन अंदर भी पूरा खाने का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है। और जहाँ पर लंगर की परमिशन मिली है इनको डीसी ऑफिस से, वहाँ भी लंगर लगाए गए हैं। और पूरी कोशिश होगी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनको प्रॉपरली जो है वो अरेंज किया जाए और उसके बाद डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो मुझे लग रहा है माइक में अनाउंसमेंट भी हो रही है कि जिन लोगों को टोकन मिल गए हैं और आज का जो कोटा खत्म हो गया है, तो हमारे जो लॉजवर सेंटर्स हैं लोग वही जाएं, लेकिन लोग मैं देखा मोस्टली यहीं पर रहना चाहते हैं बिल्कुल पास, और सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइन में लगना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये चीज़ खत्म हो जाती है, टोकन खत्म हो जाते हैं, तो इनकी अनाउंसमेंट सुन के अच्छे सिटीजन की तरह आई थिंक वहाँ लॉजवर सेंटर में चले जाएंगे। वहाँ पर सारा इंतजाम है, खाने पीने का, बाथरूम का, सैनिटेशन का सारा इंतजाम है। लेकिन अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, ये लोग जहाँ क्यों बैठे हैं, क्या इनका रहने का कहीं इंतजाम तो नहीं किया गया? तो इनका रहने का इंतजाम जो है बहुत अच्छा किया गया है, खाने का बहुत किया गया है, लेकिन इनको यहाँ से अपने लॉजमेंट सेंटर्स में जाना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है वो अंदर से सारे धाम से जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है इनके लिए। आपको भी देख रहे हैं, आप भी जगह जगह खुद घूम रहे हैं, हर लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मुहैया करवाई जाए। सर एज ए हेल्थ ऑफिसर मुझे जितने भी सेंटर्स हैं हमारे वो सभी पे जाना होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह भी सभी खुद जाऊँ और शाम को भी जब ऑफिस से निकलता हूँ तो एक पूरा अराउंड कर लूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हमारी तरफ से तो नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर साल हम अच्छा करें, इस साल भी पूरी कोशिश है कि अच्छा करें, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां आप लोग हमारी निकाल लेते हैं और हम सुधरने का मौका मिलता है हमें। थैंक यू। तो देख सकते हैं डॉक्टर विनोद जी जो है वो इस समय यहाँ खुद जायजा लेते हुए, आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पहुंच रहे हैं। और फिर बता दूं कि तत्काल पंजीकरण जो है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जितने टोकन से वो लोगों तक बांट दिए गए हैं। और लोगों से भी यहाँ पे अपील की जा रही है कि वो कल फिर सुबह 6 बजे इन लाइन्स में लग जाएं और अपने टोकन जो है वो ले लें, ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो कर सकें। उत्साह लोगों में दुगना है, किसी तरह की कमी आपको इन लोगों के उत्साह में नहीं दिखेगी। हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ता हुआ, एक ही उम्मीद चाहे कितना भी समय लग जाए मगर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो है वो जरूर जाएंगे। उत्साह में कोई कमी तो नहीं, दर्शन करने ही करने हैं। तो देख सकते हैं दर्शन जो है इन लोगों ने करने ही हैं, और जिस तरह से हर बार लोग जो है बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, और जम्मू कश्मीर में इनका स्वागत हर बार होता है, और इस बार भी इनका स्वागत जो है वो यहाँ पे होगा। कहाँ से है सर? यूपी से। कितना उत्साह है बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए? मौज आ रही, बहुत अच्छी। तो क्या इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? दूसरी बार। हर साल मान लिया हाँ, करना। क्या कहेंगे सर, बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे? जय बाबा की, दर्शन करके जाएंगे जी। जाएंगे पक्का जाएंगे। 4 दिन लगो, 5 दिन लगो, कितने भी लगो, डर का माहौल कोई कुछ नहीं जी, कोई डर कुछ नहीं जी। जो लोग देश विदेशों से आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देंगे जम्मू कश्मीर के हालातों को लेके? भाई यहाँ व्यवस्था थोड़ी हड़की है जी। जी मगर डर का कोई डर वर कुछ नहीं है जी, डर कोई वो नहीं है जी, सब बढ़िया है, खुला है जी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। करने हैं दर्शन इस बार? जी करने हैं जी, पक्का। जय बाबा। पहले कितनी बार कर चुके हैं? पहली बार आए जी हम। आपका पहली बार? पहली बार है जी, पहली बार है। खूब उत्साह पूरा है जी, देख सकते हैं उत्साह जो है वो यहाँ पर यात्रियों में पूरा है। और बाबा बर्फानियों के दर्शन के लिए जो है आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, लोगों तक भी आपको पहुंचाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। और इस समय सीधी तस्वीरें सरस्वती धाम से आपको दिखाते हुए, जहां तत्काल पंजीकरण जो है वो यात्री यहां करवाने के लिए आ रहे थे, और फिलहाल
जितने आज के टोकन थे वो लोगों में बांट दिए गए हैं। अब जो है वो कल फिर से पंजीकरण जो है सुबह 6 बजे जो है वो फिर शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिएगा और बाबा बर्फानी के दर्शन आपने कितनी बार किए हैं ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय जो है वो साझा करें। तो देखते रहिए जीके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।